यशराज फिल्म्स ने पिछले कुछ सालों में कुछ बड़ी फिल्में दी हैं। ये न सिर्फ बजट के लिहाज से बहुत बड़ी हैं, बल्कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी इन फिल्मों ने तगड़ी और रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। कोविड फेज के बाद आदित्य चोपड़ा अपनी किसी भी फिल्म से कोई समझौता नहीं करना चाह रहे हैं, तभी तो बहुत जांच परख और चुनकर वो फिल्में बना रहे हैं। अब खबर है कि YRF स्टूडियो ने आने वाले 3 सालों में 9 फिल्मों का बड़ा लाइनअप सेट किया है। कौन कौन सी हैं ये फिल्में, आइए बताते हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक यशराज स्टूडियो ने आने वाले 3 सालों में रिलीज की जाने वाली फिल्मों का पूरा खांचा बना लिया है। ये बड़े बजट की और बड़े स्टार्स की कुछ बड़ी फिल्में होने वाली है, जिसकी शुरुआत अगले साल यानी 2025 से हो जाएगी। पिंकविला ने सोर्स के हवाले से रिपोर्ट छापी, जिसमें बताया गया कि यशराज वाले पोस्ट कोविड के बाद जनता के माइंडसेट को ध्यान में रखकर फिल्में बना रहे हैं। सोर्स ने कहा, यशराज स्टूडियो ने तय किया है कि वो बड़ी स्क्रीन पर ऐसी फिल्में लेकर आएंगे जो दूसरी फिल्मों के लिए एक अलग स्टैंडर्ड सेट करे। इस लाइनअप को बैलेंस करने के लिए एक्शन, रोमांटिक और कॉमिक तीनों ही जॉनर की फिल्मों को धीरे धीरे रिलीज किया जाएगा। इन फिल्मों पर लगने वाले पैसों के हिसाब से भी इन 9 फिल्मों के लाइनअप बनाए गए हैं। यशराज फिल्म्स की इन धांसू 9 फिल्मों की शुरुआत होगी वॉर 2 से, जिसमें ऋतिक रोशन, NTR जूनियर, कियारा आडवाणी और अनिल कपूर होंगे। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म अगले 7 अगस्त में रिलीज होगी। इस फिल्म का जितना बस बना उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले साल की कुछ बड़ी फिल्मों में से एक होगी। इसके अलावा यशराज के आने वाली 9 फिल्मों का लाइनअप देखें तो वो कुछ ऐसे हैं। बॉर 2 जो अगस्त 2025 में आएगी, अल्फा जो क्रिसमस 2025 में आ सकती है, मोहित सूरी की अगली फिल्म ये भी 2025 में आने की बात कही जा रही है, मर्दानी 3 जो 2026 के लिए लाइनअप है, पठान 2 जो 2027 के लिए लाइनअप है और धूम 4 जो 2027 से 28 में आ सकती है। अली अब्बास जाफर की अगली फिल्म 2027 में आ सकती है। अनटाइटल्ड कॉमेडी फिल्म टाइगर वर्सेस पठान और एक अनटाइटल्ड कॉमेडी फिल्म की रिलीज डेट या ये कब रिलीज हो सकती है इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। वॉर 2 से पहले आलिया भट्ट और शर्वरी बाग की अल्फा आने वाली है, इसमें बॉबी देओल और अनिल कपूर भी होंगे। शिव रवेल के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म भी यशराज की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। बहुत संभव है कि अल्फा में ऋतिक रोशन का कैमियो होगा। फिर 2025 में मोहित सूरी की एक रोमांटिक फिल्म आएगी जिसका नाम फिलहाल तय नहीं है, मगर इसमें आहान पांडे होंगे, ये उनका बिग स्क्रीन डेब्यू होगा। इसके बाद रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का ग्राउंड भी तैयार कर दिया जाएगा। 3 फिल्म की इस फ्रेंचाइजी में इस बार रानी के दमदार रोल को देखने के लिए जनता उत्साहित जरूर होगी। धूम 4, टाइगर वर्सेस पठान एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वजह है इन दोनों फिल्मों का स्टार कास्ट। धूम 4 के लिए तो रणबीर कपूर का नाम सामने आ रहा है, मगर अभी कुछ भी तय नहीं है। और टाइगर वर्सेस पठान में सलमान और शाहरुख का होना इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। सोर्स ने पिंकविला को बताया, ये तय किया जा रहा है कि शाहरुख और सलमान के टाइगर वर्सेस पठान के लिए डेट देने से पहले ही बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया जाए। मेकर्स जानते हैं कि शाहरुख सलमान को एक साथ एक फुल फ्लेज्ड फिल्म में साथ लाना बहुत बड़ी बात है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसके साथ साथ कोई भी दूसरा काम संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आदित्य चोपड़ा यही चाहेंगे कि टाइगर वर्सेस पठान को शुरू करने से पहले बाकी सारे प्रोजेक्ट्स निपटा लिए जाए। आप खैर इन फिल्मों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या राय रखते हैं, कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी मेरी साथी मेघना ने, मेरा नाम सोनल है। सिनेमा से जुड़े तमाम अपडेट्स लेने के लिए ललन टॉप सिनेमा पर आते रहिए। शुक्रिया।